Hello friends, welcome to creativity at home channel. अलमीरा में पड़ी बंद साड़ियों से आप एकदम बोर हो गई होंगी. आपको लग रहा होगा कि काश मैं इसे कुछ नया लुक देकर इसे फिर से यूज़ कर सकती. आप अपनी साड़ियों को पसंद भी करती हैं पर कई बार पहन चुकी हैं तो उसे थोड़ा चेंज भी करना चाहती हैं. कई साड़ियाँ आपके पास ऐसी होंगी जो हैवी डिज़ाइनर साड़ियाँ होंगी जो आप पार्टी वेयर में ही पहन रही होंगी, लेकिन कई बार आपने यूज़ कर लिया है तो अब आपको लग रहा है कि कुछ नया किया जाए. तो आई एम गिविंग सम टिप्स टू रिफ्रेश योर हैवी साड़ीज. देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ये साड़ी तो नहीं पर ये बनारसी दुपट्टा है और दूसरी एक ये रेड कलर की साड़ी, ये सिल्क की साड़ी है रेड कलर की और ये बनारसी सिल्क का जरी के काम किया हुआ गोल्डन जरी वर्क है, ये दुपट्टा है. फ्रेंड्स आपने हाफ हाफ साड़ी तो पैटर्न देखा ही होगा और हाफ हाफ साड़ी बनाने के लिए आपको टू पीस मटेरियल की ज़रूरत होती है. तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक ढंग से हाफ हाफ साड़ी बनाना बताऊंगी जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड मटेरियल टू पीस आपको कपड़े चाहिए, एक साड़ी का हो सकता है और दूसरा भी आपको चाहे तो आप साड़ी ले लीजिए. या अगर देखिए मेरे पास एक बनारसी दुपट्टा पड़ा है और ये यूज़ में नहीं है मेरे लिए इस समय, तो मैं आपको ये एक नया तरीका बताती हूँ कि अगर आपके पास बनारसी दुपट्टे हैं या आप बाज़ार में अच्छे से आपको मिल जा रहा है, अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप चाहे तो एक दुपट्टे को यूज़ करके भी एक हाफ हाफ न्यू आप अपनी मनपसंद डिज़ाइनर साड़ी बना सकती हैं. तो इसके लिए मैंने एक ये दुपट्टा लिया है और इसे मैच करती ये सिल्क की साड़ी ली है और मुझे क्या चाहिए, एक सुई धागा. ये आपके रिक्वायर्ड मटेरियल है. अब क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए ये मेरी रेड साड़ी है फ्रेंड्स. ये साड़ी मेरी 3 मीटर की है, मैंने साड़ी में से 3 मीटर निकाल लिया है जो प्लेन सिल्क की साड़ी है. और ये मेरा बनारसी दुपट्टा जो है ये 2.5 मीटर का है. तो ये 3 मीटर एंड ये 2.5 मीटर अटैच करके आपकी 5.5 मीटर की साड़ी बनेगी. फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आप देख रहे होंगे कि इस बनारसी दुपट्टे में इस साइड ये प्लेन है, लाइनिंग वाला वर्क है और इस साइड भी ये प्लेन लाइनिंग वाला वर्क है. फ्रेंड्स मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया होगा लास्ट में, आपने देखा होगा कि उसमें भी मैंने एक बनारसी दुपट्टे का यूज़ किया है, लेकिन उसमें मैंने दोनों साइड को, उस बनारसी दुपट्टे को मैंने प्लीट्स में यूज़ किया है और उसकी दोनों साइड को यहाँ से फोल्ड कर दिया है और बाकी ये जो मेन वर्क है उसी को मैंने प्लीट्स में यूज़ किया है. यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये. इस स्टाइल में क्या करना है कि आपके जो मेन बॉडी है, जो आप अपने वेस्ट में साड़ी टक करते हैं वो, और जो प्लीट्स बनाते हैं वो इस प्लेन साड़ी का होगा. बाकी जब आपकी साड़ी फोल्ड करती हुई आपके वेस्ट साइज से पल्लू एरिया में आती है, वो पल्लू एरिया आपका फ्रंट में और जो आपका पीछे की तरफ फ्री होल्ड पल्लू लटकता है वो आपका इस बनारसी दुपट्टे का होगा. तो ये एरिया आपका 2.5 मीटर का है. अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, चूँकि बनारसी दुपट्टे में ये देखिए आप बॉर्डर है साइड में, तो इसको आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है, ये ऐसे इसको अंदर कर देना है. देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. इसको आपको यहाँ से फोल्ड कर देना है अंदर साइड में और आप इस पर पहले हाथ से, अगर आप स्टिचिंग में परफेक्ट हैं, आई एम नॉट परफेक्ट इन स्टिचिंग, अगर आप परफेक्ट हैं तो आप हाथ से ही यहाँ पर स्टिचिंग पहले करके एक रनिंग स्टिच लगा के फिर उस पर आप मशीन का वर्क कर सकते हैं. अगर आप अच्छे से स्टिचिंग जानते हैं तो आप डायरेक्ट मशीन से भी यहाँ पे आप रनिंग स्टिच चला सकते हैं.
आफ्टर स्टिचिंग ये साड़ी का लुक कैसा आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर स्टिचिंग ये यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर दिया है, और ये मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो ये इस बनारसी दुपट्टे की इधर साइड में प्लेन लाइनिंग थी उसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। आपको मैं इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो आपके प्लेन मैंने आपको दिखाया था ये मैंने इसको अभी मैं इसको यहाँ ऊपर साइड से भी स्टिच कर दूँगी। ये मैं आपको टेम्प्रोरी स्टिचिंग दिखा रही हूँ, अभी मैंने इस पर फाइनल स्टिचिंग नहीं की है। और ये देखिए ये टेम्प्रोरी स्टिचिंग मैंने की है आपको शो करने के लिए की, और इसके बाद मैं इस पर मशीन से स्टिचिंग करवाऊँगी जो फिक्स हो जाएगी। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस दुपट्टे को ये बनारसी दुपट्टे को आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं कि आप जब मन करे, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप इसे बनारसी दुपट्टे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आई मीन यू कैन यूज़ इन बोथ फॉर्म, बनारसी दुपट्टा एज वेल एज साड़ी। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने स्टिचिंग दिखाई आपको, आपको यहाँ पर केवल हाथ से रनिंग स्टिच कर देनी है, बारीक स्टिचिंग कर दीजिए, रनिंग स्टिच, ऊपर से दिखाई ना पड़े। और जब आपको दुपट्टा लेने का मन करे तो आप यहाँ से इस स्टिच को ओपन कर दीजिए और धीरे से धागे को निकाल दीजिए, फिर आप इसे दुपट्टे के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से फिर दोबारा आप जब कहीं जाना है, पार्टी वेयर साड़ी लेनी है, यूज़ करनी है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही कच्ची सिलाई हाथ से कर दीजिए। तो आप इसे ऊपर से सिलाई आपकी नहीं दिखेगी, आप अंदर अंदर उल्टी साइड में करेंगे ना, ये देखिए ये रॉन्ग साइड जो है, ये देखिए साड़ी का रॉन्ग साइड और ये दुपट्टे का रॉन्ग साइड, तो आप रॉन्ग साइड में करेंगे तो ऊपर से स्टिचिंग का धागा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना यूनिक आइडिया है कि आप अपने बनारसी दुपट्टे को साड़ी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे दुपट्टे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा कोई आइडिया मिला होगा जो बनारसी दुपट्टे को साड़ी के साथ यूज़ करे और उसे बनारसी दुपट्टे के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात और, ये मेरी जो साड़ी है इसका ये बॉर्डर गोल्डन है, ऑलरेडी है बॉर्डर। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ऐसी साड़ी अगर ना मिले, मार्केट में तो मिलती है, पर अगर आपको इनकेस नहीं मिलती है ऐसी साड़ी, तो आप जब ये बनारसी दुपट्टा इसमें अटैच करेंगे तो आपको ये फिर डिफरेंट लगेगा। तो आप चाहे तो, मैंने, मुझे तो ऐसे ही रखना है, तो आप चाहे तो इस तरीके का बनारसी दुपट्टे का बॉर्डर मिलता है मार्केट में, आप चाहे तो इस तरीके का बाकी का 3 मीटर बॉर्डर ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको अटैच करवा सकते हैं। तो ये पूरा सेम, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके भी आप बॉर्डर लगाएंगे तो डजंट मैटर, चल जाएगा। तो फैशन के ज़माने में मिक्स एंड मैच चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप इसको यहाँ से लगवा सकते हैं और फिर आपका ये पूरी साड़ी 5.5 मीटर की तैयार हो गई। तो इस साड़ी का लुक, फाइनल लुक कैसा आता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए फ्रेंड, अब आप देख सकते हैं साड़ी का लुक फाइनल, ये आपकी प्लेट्स बन रही है, ये जो प्लेन साड़ी थी उसकी ये प्लेट्स बन रही है, और ये आपकी जहाँ से साड़ी हम लोग वेस्ट में कवर करके बैक साइड से फ्रंट की तरफ ले आते हैं, ये साड़ी वहीं से कवर होके आ रही है पीछे से आगे की तरफ, और ये आपके पल्लू की तरफ जा रही है, ये आपका जो प्लीट्स है उसी पर ये ऐसे करके आएगी, ऐसे डिज़ाइन बनेगी आपकी। आप देखिए प्लेट से ऐसे होते हुए आपकी साड़ी आएगी, और इस तरह से इसका पूरा जो बनारसी साड़ी का बॉर्डर है वो, ये देखिए ये जो प्लेन एरिया ये आपके वेस्ट में चला जाएगा ये वाला, और ये इस तरीके से आपके वेस्ट से पीछे से घूम के ये आपका जो बनारसी दुपट्टा है ये पूरा आएगा, और आपका फाइनल लुक इस तरीके का होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से एक बनारसी दुपट्टे को आप साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं और
उससे एक न्यू साड़ी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे दुपट्टे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो साड़ी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी तरह से कुछ नए नए आइडियाज़ आपको देती रहूँ।